जो मतलब बाहर का लोग जो मेरा वीडियो देखेगा, मेरा भी खुद का भी एक दोस्त है बंगाली बिहारी सब लोग, तो वो लोग समझ में नहीं पाएगा कि नेपाली में क्या बोल रहा हूँ। इसीलिए हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज भी है, इसीलिए मैं हिंदी में ही आज का ब्लॉग्स बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरा हिंदी में कुछ मिस्टेक हुआ तो पहले से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अभी मैं फिलहाल रूम से 10-15 मिनट के लिए बाहर आया हूँ, तो सोचा कि एक ब्लॉग ही कर लूँ, क्योंकि मैं एक महीने से पूरा रूम के अंदर ही था, क्वारंटाइन में था, बीमार था अभी। इसीलिए अभी तबीयत थोड़ा ठीक हुआ तो थोड़ा नेचर का फील करने के लिए अभी बाहर में आया हूँ। तो गाइज मैं अभी मेरा जाने का तो किधर भी नहीं है, लेकिन अभी मैं इधर बाहर का ठंडा हवा लेने के लिए आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़ का व्यू, ये इधर ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है इधर में। अभी तो ये रात भी होने वाला है, तो ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट दिख रहा है। जा रहा हूँ अकेला हूँ, अकेला नहीं दोस्त है मेरे पीछे। तो अभी ये रोड में मैं चल चल के जा रहा हूँ, जैसे अभी आप लोग को मैं इधर से थोड़ा अच्छा व्यू दिखाऊंगा, उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन दिखने के लिए अच्छा ही है। ये देखिए, जैसे देखिए ऊपर सुनिए। तो गाइज आप लोग का कैसा चल रहा है लॉकडाउन? तो अभी खुला होगा शायद, कौन कौन सा जगह में खुला है। मैं तो अभी फिलहाल सिक्किम में हूँ, इधर में तो अभी इंटरस्टेट खुला है, वो भी कभी बंद आता है कभी खुलता है। तो हाँ बहुत गर्मी लग रहा है अभी इधर में, गर्मी होने के कारण पूरा मैं टी शर्ट में। आज मैंने ये हेयरकट भी करवाया था, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, सही है चलेगा गर्मी में। तो ये मास्क देख रहे हैं, मेरा मास्क देख के लग रहा है कि कोरोना वायरस का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना मोटा वाला मास्क है। फिर भी केयरलेस नहीं करने का, सब लोग मास्क पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए, रूम पे बैठिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो इतना मुश्किल होगा कोरोना वायरस में अभी लग जाएगा तो सबको दिक्कत होगा, सबको वो भी करना है, आप खुद भी बचना है और दूसरे को भी बचाना है, यही अभी इधर का यही स्लोगन है। खुद भी जियो दूसरों को भी जीने दो। अभी तो हम इधर तक ही आए थे, अभी फिर वापस जा रहे हैं उनके पास। तो देखने के लिए तो आज का ब्लॉग में मैं कुछ नहीं दिखा पाया, क्योंकि इतना अच्छा जगह नहीं है, क्योंकि फिर भी मैं नेचर तो अच्छा ही दिख लिया पूरा आ रहा है इधर में, सब लोग सब अच्छा है। सो गाइज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि अभी नया नया खुल रहा हूँ, नया नया मैं अभी स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए आप लोग का, तभी कुछ मतलब कर पाऊँगा, ये अच्छा अच्छा वीडियो डाल पाऊँगा। अगर आप लोग देख के भी लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे फील ही नहीं होगा कि मैं मेरा वीडियो में क्या सुधार देना है, क्या करना है। तो इसीलिए मतलब का कमेंट भी चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए और लाइक तो चाहिए और एक सब्सक्राइबर भी चाहिए। तो अभी मैं फॉरेस्ट के बीच में एक रास्ता है, रास्ते में हूँ, तो ये पूरा चारों साइड घर नहीं है इधर में, अभी पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, देख सकते हैं आप लोग। इधर में तो बहुत डेंस फॉरेस्ट है इधर में, और इधर का साइड भी पूरा पहाड़ी पहाड़ है। जिस जिसको पहाड़ पसंद है और जिस जिसको ये फॉरेस्ट वगैरह वो वगैरह पसंद है, तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा है नज़ारा। अभी हमारे इधर में छोटा सा भाई भी है, छोटा भाई देखिए, छोटा भाई ये माइकल एज का ना, ये काफ़ी अच्छा कुत्ता है, माइकल भाई जैसा है। हम लोग का मतलब रूम का पास में रहता है, सब लोग खाना वगैरह इसको देता है, तो हम लोग जहीं पे भी जाते हैं तो ये साथ साथ में आता है पीछे पीछे। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, दूसरा वीडियो में लेके आऊँगा अच्छा वाला।
तो फिर भी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल।